हेलो, मैं हूं अव्वल। मैंने सुना है कि दुनिया में हर इंसान से हम कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। सो मैंने सोचा कि मैं बन जाता हूं डॉक्टर, और जो पेशेंट्स आएंगे हो सकता है वो मुझे कुछ नए इंग्लिश वर्ड सिखा दें। सो मैं बन गया हूं डॉक्टर अव्वल, आई स्पेशलिस्ट। मैं तैयार हूं, देखते हैं पहला पेशेंट कौन आता है। कम इन डॉक्टर साहब। हाँ बोलो। डॉक्टर साहब, मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा हो गया है। कैसे? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, कल मैं अपने एक दोस्त की शादी पे गया था। मैं स्टेज पर फोटो खिंचवा रहा था कि मेरी आंखों में कैमरे की वो पड़ गई, वो क्या? वो कैमरे की फ्लैश। हमारा पहला वर्ड है फ्लैश। कैमरे में से निकलने वाली लाइट को फ्लैश कहते हैं। फ्लैश का मतलब है वो लाइट जो किसी चीज में से लगातार ना निकले, बस कुछ ही समय के लिए आए और बंद हो जाए। कैमरे की फ्लैश, फ्लैश ऑफ कैमरा। बिजली की चमक, फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। नेक्स्ट पेशेंट। डॉक्टर साहब, मेरी आंखें नहीं खुल रही। क्यों? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, मैं कल दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। बॉल कैच करने के लिए ऊपर देखा तो मेरी आंखों में सूरज की वो पड़ गई। वो क्या? सूरज की फ्लैश? नहीं, फ्लैश तो कैमरे की होती है, मेरी आंखों में सन की रेज पड़ गई। हमारा दूसरा वर्ड है रे, और इसका प्लूरल है रेज। रेज मतलब किसी चीज में से निकलने वाली लाइट जो एक पॉइंट से निकलती है और बहुत सारी बारीक लाइंस में फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है। सूरज की किरणें, रेज ऑफ द सन। उम्मीद की एक किरण, अरे ऑफ होप। नेक्स्ट पेशेंट। डॉक्टर साहब, मेरी आंखों में बहुत तकलीफ हो रही है। क्यों, क्या हुआ? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, कल रात को मेरी गाड़ी पंचर हो गई। मैं टॉर्च चला के टायर बदल रहा था कि मेरे हाथ से टॉर्च छूट गई और टॉर्च की वो मेरी आंखों में पड़ गई। वो क्या? टॉर्च की फ्लैश? नहीं डॉक्टर साहब, तो टॉर्च की रेज? नहीं, डॉक्टर साहब, कैमरे की फ्लैश होती है, सन की रेज होती हैं, मेरी आंखों में टॉर्च की बीम पड़ गई। हमारा तीसरा वर्ड है बीम। बीम मतलब किसी चीज में से निकलने वाली लाइट की एक लाइन जो लगभग एक ही डायरेक्शन में रहती है, बहुत ज्यादा फैलती नहीं, उसी तरफ रोशनी करती है, उसी तरफ उजाला करती है जिस तरफ लाइट का मुंह होता है। टॉर्च की बीम, बीम ऑफ टॉर्च। लेजर की बीम, बीम ऑफ लेजर। अच्छा, नेक्स्ट पेशेंट प्लीज। डॉक्टर साहब, बोलो। डॉक्टर साहब, मेरी आंखों में कुछ हो गया है। क्या हुआ? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, कल मैं अपनी वाइफ के लिए एक गोल्ड की चेन लेने निकला था। एक ज्वेलरी के शोरूम में पहुंचा तो वहां इतना गोल्ड कि मेरी आंखों में गोल्ड की वो पड़ गई। क्या गोल्ड की फ्लैश? नहीं, तो गोल्ड की रेस? नहीं, गोल्ड की बीम? नहीं डॉक्टर साहब, कैमरे की फ्लैश होती है, सन की रेज होती है, टॉर्च की बीम होती है, और गोल्ड की चमक को ग्लिटर कहते हैं। हमारा चौथा वर्ड है ग्लिटर। ग्लिटर मतलब चमक। गोल्ड या कोई भी ऐसी चीज जो बाहर से पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करते हुए चमकती है, तो उस तेज तरार चमक को ग्लिटर कहते हैं। सोने की चमक, ग्लिटर ऑफ गोल्ड। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। नेक्स्ट पेशेंट। ओ डॉक्टर साहब, मैं अभी गया नहीं हूं। तो जाओ फिर। कैसे चला जाऊं, मेरी दूसरी आंख भी तो देखो। पहली वाली तो गोल्ड के ग्लिटर से खराब हो गई, और दूसरी उसी ज्वेलर की दुकान पे जब मेरी नजर हीरों के हार पे पड़ी तो मेरी आंखों में हीरो की वो पड़ गई। वो क्या? फ्लैश, रे, बीम, ग्लिटर? क्या? बस बस, अब इसके बाद दोबारा नहीं बताऊंगा।
कैमरे की फ्लैश होती है, सन की रेज होती है, टॉर्च की बीम होती है, गोल्ड ग्लिटर करता है और हीरा यानी कि डायमंड स्पार्कल करता है। हमारा पांचवा और आखिरी वर्ड है स्पार्कल। स्पार्कल वर्ड बना है इंग्लिश वर्ड स्पार्क से। स्पार्क मतलब चिंगारी। जब डायमंड या किसी भी चीज पे लाइट पड़ने से ऐसी चमक पैदा होती है जो बारीक सफेद चिंगारियों की तरह लगती है, तो उस चमक को स्पार्कल कहते हैं। हीरों की चमक, स्पार्कल ऑफ डायमंड्स। मोतियों का चमकता हुआ एक हार, अ स्पार्कलिंग पर्ल नेकलेस। आंखों की चमक के लिए भी स्पार्कल वर्ड ही यूज किया जाता है। उसकी आंखों में चमक थी, ही हैड अ स्पार्कल इन हिज आईज। आसमान में तारे भी चमकते हैं, पर वो चमकते हुए झिलमिलाते रहते हैं, इसलिए हम तारों के चमकने को उनके झिलमिलाने को ट्विंकल कहते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आसमान में तारे चमक रहे हैं, द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। Bye.